हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी में LGBTQ के एक वीडियो लेके आया हूं। जी हां, दरअसल मैं ये LGBTQ के जो भी वीडियोस होता है वो मैं इंग्लिश में अपलोड करता हूं, बट आज मैं मेरे को माता से ये मैसेजेस मिला तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे को जज नहीं करोगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से एक्सेप्ट करोगे। सो इसी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो समलिंगिक रिलेशनशिप्स, गे रिलेशनशिप्स, लेस्बियन रिलेशनशिप्स होते हैं, ये बहुत अलग किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं। ये बहुत हाई इंटेंसिफाइड रिलेशनशिप होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम यू नो इस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग क्लोजेटेड रहते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ गलत फहमियाँ रहते हैं। नाउ मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बोल सकूँ, बिकॉज ये आपके जर्नी है और आप लोग खुद को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बट मैं जो काम करूँगा वो है तंत्रा फॉर गे मैन कैसा है, या फिर तंत्रा फॉर लेस्बियन वेमेन वो कैसे आपको समझना है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तंत्रा एक बहुत डीप मैटर है। और यस, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जिस तरीके से तंत्रा को एक्सप्रेस किया जाता है वो एक अगे पर्सन को डिफिकल्ट होता है उसको समझने में, क्योंकि वहाँ पे माता का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर महाकाल का जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ना आसान है, देखना आसान है, बट अंदर से फील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो यही चीज़ को आपके सामने ले आने के लिए ये टॉपिक मैंने चुना। और आज जो मैं बात करूँगा कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस को कैसे आप ग्रो कर सकते हो अगर आप एक गे मैन हो या फिर लेस्बियन वेमेन हो। तो पहला एक चीज़ देखिए, पहला तो एक चीज़ कि बीइंग अ गे और बीइंग अ लेस्बियन कोई चॉइस नहीं है। और ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग मानते हो कि ये एक चॉइस है, ये तो सबके पर्सनल चॉइस है, नो, मैं बोलूँगा कि ये अंदर से एक आवाज़ है और शायद आपको ही पता है कि आपको किस टाइप के सोल को पसंद है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप के पर्सन को स्टीरियोटाइप करना चाहिए या फिर किसी इसी पर्सन को बोलना चाहिए कि ये तो ये लोग तो ऐसे ही है। ऐसे मत करिए। हर एक के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अलग है, हर एक के डायमेंशंस बहुत अलग है। तो अगर आप एक गे मैन हो या फिर अगर आप एक लेस्बियन वेमेन हो तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आप जिस तरीके से माँ को समझ रहे हो ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है। यस, यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न तंत्रा को फॉलो करोगे तो वो लोग तंत्रा को एज अ लव मेकिंग के पार्ट के हिसाब से देखते हैं कि तंत्रा में लव मेकिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। या दिस कैन बी ट्रू, ये सच हो सकता है, बट यही सब कुछ नहीं है। तंत्रा है आपके शरीर के अंदर खुद को फील करना। जैसे कि मान लो कि हमारे जो सात चक्रा है, मूलाधारा चक्रा, रूट चक्रा से लेके सोलर प्लेक्सिस, सॉरी सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। इसके हिंदी मेरे को अभी याद नहीं है, तो आप लोग हिंदी काइंड ऑफ थोड़ा सा आई थिंक ये गूगल में अवेलेबल है तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, बीइंग अ गे मैन और बीइंग अ लेस्बियन पर्सन, आपको पता ही है कि एनर्जी के स्टार्ट जो होता है वो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, यानी कि मूलाधारा, वो है बेस। तो मेडिटेट करके अपने एनर्जी को बेस चक्रा पे लेके आओगे। यस, क्योंकि बीइंग अ गे मैन ये बहुत सेंसिटिव जगह है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कि ये जगह से आप लव मेक कर सकते हो, ये जगह ही आपके एनर्जी का मेन कॉर्ड है बीइंग अ गे मैन। सो अबव योर प्रोस्टेट एरिया, यानी कि जो कुल कुंडलिनी है, यानी कि जो आपके रीड है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है, उसके नीचे वाले हिस्से में आपको समझना है कि आप जो भी मेडिटेट कर रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, ये अगर आप अपने लवर को मेडिटेट कर रहे हो ना, मान लो कि आप एक पुरुष को प्यार करते हो या फिर एक महिला को प्यार करते हो, उसको भी अगर आप मेडिटेट करते हो तो उसको भी आपके उसके ऊर्जा को और आपके खुद की ऊर्जा को आप खुद के अंदर आपको सब सोचना है बेस चक्रा के अंदर।
अब धीरे 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 आपको फील करना है कि उसका ऊर्जा और आपका ऊर्जा आ रहा है और आपके खुद के जो क्राउन चक्र है इसके ऊपर आप इसको लेके आ रहे हो। सो बेसिकली ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत ही डिफिकल्ट। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, अक्सर क्या होता है, बीइंग अ गे मैन मैं भी ये फील कर सकता हूँ, जब भी आप किसी पर्सन के बारे में सोचते हो तो सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आता है, ये सब सोच बहुत ज़्यादा आते हैं, आप अट्रैक्टेड हो जाते हो ना चाहते हुए भी। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है कि इसका कोई दो राय नहीं है कि दादा कोई ऐसा तरीका है कि मैं ये थॉट्स को कट कर सकता हूँ। नो, ये इसीलिए आता है क्योंकि माँ आपको परीक्षा ले रहे हैं। पहले एक चीज़ कि देखो आपके एक शक्ति कोई भी, आप अननेचुरल नहीं हो, ए बी आप आपके कोई शक्ति कम नहीं है किसी से, बात सिर्फ ये है कि आपके नज़रिया अलग है, आपको बनाया हुआ है अलग तरीके से, इसीलिए आपके एक्सप्रेशंस भी अलग है। सो अगर आपके ये जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहे, डिज़ायर्स आ रहे, किसी को देख के अगर पसंद आ रहे हो, इस चीज़ को पहले तो नज़र, मतलब पहले तो इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से ना लो, सेकेंडली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, इट्स ओके। बट जैसे आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, जैसे कि मान लो कि आप मेडिटेट कर रहे हो बट आपको एक डिफरेंट किस्म के पर्सन का ख्याल आ रहा है, बट आप चाहते हो कोई डिफरेंट पर्सन के लिए मेडिटेट करने के लिए। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप को आप और भी अच्छे से मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट आपका याद आ रहा है पास्ट पर्सन का। सो बीइंग अ गे और लेस्बियन पर्सन ये इसीलिए होता है क्योंकि ये अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आई डोंट नो अबाउट स्ट्रेट रिलेशनशिप, आई डोंट नो अबाउट अदर थिंग्स, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि एक गे मैन के लिए किसी को भूलना उतना आसान नहीं है, और हर एक के लाइफ में ये इमोशनल एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता ही है। सो ये ट्रॉमाटाइज बॉन्ड को पहले हटा के, चाइल्डहुड जजमेंट्स को हटा के, फियर को हटा के, क्लोजेटेड थॉट्स को हटा के, पहले आपको खुद के सामने, एकदम खुद के सामने रियल होके रिप्रेजेंट करना है। अब वो बात, मतलब वो प्रैक्टिस आप एक दो महीने के अंदर आप कर पाओगे, बट पहले क्या करना होगा, आंखें बंद करके सोचना होगा वो एक्सपीरियंस, जैसे कि आपके पहला गे एक्सपीरियंस, पहला लेस्बियन एक्सपीरियंस, सेकेंड आप स्पिरिचुअली जब आप सोच रहे हो तो कौन सा गिल्ट आपको बहुत ज़्यादा अंदर से आ रहा है, कि किस चीज़ के लिए आप शर्मिंदे बहुत ज़्यादा हो, उस चीज़ को हटाना होगा। थर्ड, पहले जब आप पहले जब आपको पता चला था कि आप ऐसे हो तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शंस हुआ था, उस चीज़ को आपको पहले क्लियर करना होगा। तो पहले ये जो परसेप्शंस है, ये जो कंडीशनिंग्स है, ये कंडीशनिंग्स आपके अंदर नहीं था, ये कंडीशनिंग्स आप बाहर से लेके आए हो। तो किसी किसी के लिए ये कंडीशनिंग्स बहुत बदतर हो सकता है, इसीलिए आप देख सकते हो कि अक्सर हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पर्सन रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोनली पर्सन रहते हैं। किसी किसी के लिए ये प्रॉब्लम है बट वो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, वो थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, साइकिक के पास चले जाते हैं, और आधा अधूरा बात बोल के वो समझाते हैं कि हाँ वो एक क्राइसिस में है, बट वो किसी के सामने वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्योंकि ऐसा बहुत प्रॉब्लम मैं देखा हूँ कि लोग बोलते हैं कि जैसे ही मैं किसी पर्सन के सामने आके कुछ बोलता हूँ तो मेरे को एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। कई कई बार तो ये रिलेटिव्स के साथ भी हो जाता है कि इमोशनल बॉन्ड तैयार, मतलब क्रिएट हो गया, दादा उसके बाद मैं हर्ट फील कर रहा हूँ बट उसको मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप माँ के सामने पूरे चीज़ों को आप एक्सप्रेस कीजिए। अब ऐसे अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करिए, आप एक पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए, और वो टाइमिंग प्लीज़ वो टाइमिंग आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए या फिर रात के टाइम पे। रात के टाइम पे मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगेन जब भी आप माइंड को कुछ ज़्यादा स्पेशल तरीके से इंडिकेट करोगे तो माइंड बहुत ज़्यादा पुराने बात को सामने लेके आएगा। सो बेहतर ये होगा कि आप सुबह के टाइम चूज़ कीजिए, एकदम अर्ली मॉर्निंग के टाइम चूज़ कीजिए। उस टाइम पे आके आपके जो ये एक्सपीरियंस है, आपके जो गिल्ट है, आपके जो गुस्सा है, इस चीज़ को आप माँ के सामने बोलिए, बहुत अच्छे से आपको बोलना होगा। एंड देन आप धीरे धीरे अपने पूरा ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र यानी कि बेस चक्र यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले हिस्सों में लेके आइए। अब ये चीज़ आप कैसे ले आ पाओगे, ऐसे मैं एक टेक्निक बोल सकता हूँ। मान लो कि आप मल्टीपल पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे थे, तो आप फिजिकली 4-5 जन के साथ हुए हो, ये सबके लिए अवेलेबल है। तो आप पहले एक एक करके पर्सन को कट ऑफ करो। कैसे, मान लो कि जिसके पर्सन के साथ आप फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे उस पर्सन को विजुअलाइज करो, और ऐसे सोचो कि उस पर्सन जो भी जाल आपके ऊपर बिछाए थे उस जाल को आप कट कट कर रहे हो, और उस जाल से आप बाहर
निकल के आ रहे हो। ऐसे करके जो जो पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप्स में थे वहाँ से आप बाहर आने की कोशिश करिएगा। एक दिन में नहीं हो रहा है तो आप ऐसे काइंड ऑफ सोचना स्टार्ट करेंगे कि एक पर्सन के साथ मान लीजिए आप 6 साल थे या फिर 2 साल थे या फिर 1 साल थे, तो उस पर्सन के लिए आप एक वीक वक्त दीजिए खुद को। सेकेंड टाइम में भी आप वही चीज़ कीजिए कि सेकेंड वीक में देखिए अगर कोई भी आपको याद आ रहा है तो थर्ड वीक तक भी आप जा सकते हो। बट ऐसे ऐसे करके आपको उस पास से बाहर आना है। एंड सेकेंड, उसके बाद बहुत सारे गे मैन या फिर लेस्बियन मैन, ऐसे लेस्बियन वेमेन ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि नो हमारे कम्युनिटी में लव नहीं एग्जिस्ट करते हैं, हमारे कम्युनिटी में सभी चीज़ फिजिकल है। देखो ये सारे कम्युनिटी में सेम ही है बेसिकली, स्ट्रेट कम्युनिटी पे जाओ उस पे भी सेम है। बट यहाँ पे जो चीज़ है ये है कि आप ऑलरेडी अवेकेंड हो, आपको पता है कि देखो ये जर्नी जो आप किए हो यहाँ पे शिव शक्ति के संमिश्रण आपके अंदर है, आपको पता है कि आप के पास कुछ यूनिक गिफ्ट्स है। अभी ये गिफ्ट्स अगर आप मेटेरियलिस्टिकली सोचोगे तो दिख नहीं पाओगे, आपको लग जाएगा कि नहीं सबका शादी हो रहा है मेरा तो नहीं हो रहा है, सब सबके सामने आके रिलेशनशिप को बोल पा रहे बट मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं का ये गिफ्ट रहा। नो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो चीज़ सिर्फ आप और आपके जो डेटी है इसके अंदर रहेगा। सो काइंड ऑफ मैं देखूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि अगर आप विश्वास करके अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो जिस टाइम पे आपके सोल उपयुक्त हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, उस टाइम पे ज़रूर माँ आपको आपके पर्सन के साथ मीट करवाएंगे। सो कहीं ना कहीं मैं बहुत जो चीज़ देखता हूँ कि गे मैन बहुत डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उनके लाइफ में साथी नहीं है, ये तो कोई चीट करके चले गए, ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, हुआ है। सो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप कंप्लेन तो नहीं कर सकते हो बट आप एक चीज़ बोल सकते हो कि हाँ जो हो गया है हो गया है, अभी आप अगर पूरे लाइफ को सरेंडर कर दोगे कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है आई नीड समथिंग, और सरेंडर करके आपको एक रेगुलर एक पर्टिकुलर चीज़, ये आप माँ को एक लेटर लिख सकते हो या फिर मेडिटेट कर सकते हो, कोई स्तोत्र चैंटिंग कर सकते हो, बट याद आपको एक रखना होगा, आपको स्ट्रेट बनना नहीं है, आपको कुछ अलग बनना नहीं है, आपको खुद के जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको एक्सेप्ट करना है, और करते करते आपके जो पावर है इस पावर को ग्रो करना है कि यस यू आर नॉट अ डिफरेंट पर्सन, यू आर जस्ट लाइक द अदर पर्सन बट योर परसेप्शन इज यूनिक, योर सोल पर्पस इज यूनिक। तो अगर आप ऐसे ही खुद को समझोगे एंड एक्सेप्ट करोगे आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा, आप धीरे धीरे ये जो एंग्जाइटी है ना कि आप अकेले हो, लोगों के सामने आप बोलोगे तो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे या फिर लोग आपको ताने मारेंगे, मारते तो है भाई, तो आप किसी कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी पे भी जाओ अगर आप फैट हो तो बोलेंगे, अगर आप स्लिम हो तो बोलेंगे, अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो बोलेंगे, तो ये तो होगा ही, ये तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, बट मैं एक ज़रूर सलाह दे सकता हूँ कि उतना ज़्यादा सोशल नेटवर्क पे अवेलेबल ना हो के अगर आप अंदरूनी शक्ति को बढ़ाओगे या फिर सोशल मीडिया को थोड़ा देर तक रुक मतलब स्टॉप करके पॉज करके अगर आप अंदरूनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाओगे सो डेफिनेटली यहाँ पे एक चांस हो सकता है सभी गे मैन के लिए कि आपके रूट चक्रा मजबूत हो जाएगा धीरे धीरे 1-2 महीने में। जैसे आपका रूट चक्रा मजबूत हो जाएगा, अब किसी किसी के लिए 6 महीना लग सकता है, मेरे लगा 2 साल, मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एवरी डे करता रहूँगा। सो आई थिंक फॉर अ गे मैन रूट चक्र क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैं सभी लोग एक अकेले हैं एंड यहाँ पे कोई नहीं है बैकअप, यहाँ पे कोई नहीं है आपको आपके मुसीबत से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। सेकेंडली अगर आप एक्सटर्नल हेल्प मांगोगे तो यहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि मान लो आपको अगर चाहिए कोई फ्रेंड और आप कोई भी डेटिंग वेबसाइट्स पे गए LGBTQ, तो वहाँ पे अक्सर आपको प्रॉपर मैच नहीं मिलता है, कंप्लेन आता है कि मिलता तो है बट वो टिकता नहीं है। सेकेंड चीज़ मान लीजिए किसी किसी के लिए ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा बहुत नेगेटिव एनर्जीज के साथ आप इनकाउंटर करते हो। सेकेंड अगर मान लो कि नेबर्स के सामने जाके भी आप बोलोगे तो आपको बहुत वर्नरेबल लगेगा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स।
था कि फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये हट जाएगा, आग सामने नहीं आ सकता है कोई कोई. सो यहाँ पे एक स्टैंड पॉइंट आपको एक ही पर्सन दे सकते हैं, वो है आपके खुद के डेटी. वो कृष्णा जी हो सकता है, काली माता हो सकता है, शिव जी हो सकता है, जो आपको बोलेंगे कि देखो आप आगे बढ़ते रहो. आप अगर अनकंडीशनली अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करोगे सो इसका रिटर्न आपको आएगा. बट अगेन आपको चाय पीने के लिए केटली को प्यार करना नहीं है. आपको अगर बॉयफ्रेंड चाहिए या फिर आपको अगर आपके पार्टनर चाहिए, इसके लिए पूजा मत करो, पूजा मत करो, इसके लिए पूजा मत करो. अगर आप पूजा करना चाहते हो, ईश्वर के सामने खुद को अर्पित करना चाहते हो, सरेंडर करना चाहते हो, तो ही पूजा करो, तो ही ये बातें सुनो, तो ही ये रीडिंग देखो, तो ही गे तंत्र के बारे में सोचो. सो बेसिकली अगर आप एक गे मैन हो, आपको गे लव इंटीमेसी के लिए तंत्र के अंदर आना नहीं है. आपको खुद को जानने के लिए, अपने ईश्वर के सामने आने के लिए, अपने पूरे सोल को सरेंडर करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करना है. अभी जो रिवॉर्ड्स है वो बाद में देखा जाएगा, बट पहले मैं ये फोकस नहीं करवा रहा हूँ कि ये करो इसमें, ये करने से तुमको बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, ये करो ये फॉलो करने से तुमको पैसा मिल जाएगा. ये नहीं होता है. तुमको केटली को प्यार करना है, केटली को बोलना है कि ठीक है मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, हाँ तुमसे चाय बनते हैं ये भी मेरे को पता है, अगर तुम मेरे को बोलोगे तो ही मैं करूँगा, बट मेरे को तुमसे प्यार है. सो मैं बोल रहा हूँ कि भगवान को यूज मत करो, भगवान को ही पूजा करो. दैट इज द मेन थिंग फॉर एवरी गे मैन और लेस्बियन. क्योंकि हम लोगों को लगता है कि मैं भी ये गलत फहमी के अंदर था कि शायद कोई पर्टिकुलर पूजा वगैरह है, ये करने से आपको अपना पार्टनर मिल जाएगा, वशीकरण करने से बहुत ही अच्छे से आपको अपना पार्टनर मिल जाता है, एक्स मिल जाएगा. ये सब चक्कर में मत फंसो, दिस इज अ कंप्लीट ट्रैप. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, चाहे आप गे हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे ट्रांस हो, चाहे आप एक माइनॉर पर्सन हो, शायद उतना ज़्यादा बुक्स एंड रेफरेंस आपके लिए नहीं है. मैं भी देखा हूँ, और जो भी बुक्स एंड रेफरेंसेस है वहाँ पे सिर्फ लव इंटीमेसी के लिए ही बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में ही बोल रहे हैं. तो आपको अगर किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करना है तो वो चीज़ आपको ही करना है, और वो इम्पॉसिबल है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इम्पॉसिबल है. जब आपके लाइफ में लव का 0% एक्सपेक्टेशंस रहेगा, जब आप लव में इन्वॉल्व नहीं रहोगे, जब आप अपने सोल पर्पस में इन्वॉल्व रहोगे, जब आप खुद को प्यार करना सीखोगे, जब आप ईश्वर के साथ डीप कनेक्टेड रहोगे, तब जाके ये पर्सन को या फिर आपके जो काउंटर पार्ट है इसको अट्रैक्ट कर पाओगे. सो फॉर माई ऑल माई LGBTQ ब्रदर एंड सिस्टर, मैं एक ही गे तंत्रा के फर्स्ट एपिसोड लेके आया हूँ, और इस फर्स्ट एपिसोड में मैं यही बोल रहा हूँ कि आउटकम के बारे में मत सोचो. हमारे लिए जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएंगे, एंड आपको सिर्फ अपना सोल पर्पस के बारे में सोचना है. आप अपने मूलाधार चक्र को फोकस करो. एक बार अगर किसी भी गे मैन और लेस्बियन पर्सन अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो इसको हराना नामुमकिन हो जाएगा. एक बार अगर आप अपने इंडिपेंडेंट को प्रूफ कर पाओगे, एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम आपको प्रूफ, मतलब आप अगर खुद के बलबूते पे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को बुला लेते हो, अपना साहस ब्रेवरी को बढ़ा लेते हो, अपना कोडिपेंडेंसी इशू को हटा देते हो, एंड अपना ऑनेस्ट ऑथेंटिक सोल पर्पस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप एक बहुत पावरफुल गे मैन या फिर लेस्बियन वुमेन बन सकते हो. एंड ये मैसेज उनके लिए है जो लोग सच में डर रहे हो कि क्या होगा, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करो ये बात किसी ना किसी को पता चलेगा. एंड सेकेंडली आपको ईश्वर के सामने ये बोलना नहीं है कि मेरे को कोई किसी चीज़ को दे दो. आप ईश्वर के सामने यही बोलो कि मैं एक ही चीज़ आपको दे सकता हूँ, वो है खुद को. एंड दैट एफर्मेशन विल हेल्प यू टू बिकम वाइजर, टू बिकम मच मोर ओपन, एंड टू बिकम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. आई थिंक आज के लिए इतना ही है. अपने रूट चक्र के ऊपर फोकस करो, एंड सेकेंडली सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं करना है.
और ये एक पार्ट है आपके गे तंत्रा का. एंड जैसे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, जैसे आप इस चीज़ को एज अ टैबू नहीं देखोगे, एज एन एंटरटेनमेंट नहीं देखोगे, एज अ बैड वाइब्स नहीं देखोगे, आप इस चीज़ को जनरलाइज करके देखोगे. और जितना आपको मतलब जितना हद तक आप चीज़ों को रेजिस्ट कर पा रहे हो उतना ही रेजिस्ट करोगे, बाकी को आप हटा दोगे उतना नॉर्मली आप चीज़ों को ले लोगे. यस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस आता है, यस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा. कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? जब आप सारे चीज़ों को ईश्वर के सामने समर्पित कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये बोला नहीं है कि नहीं ये होना पाप है, या फिर दो लड़का या फिर दो लड़की के लव मेकिंग शायद कोई रिलीजन में अलाउड नहीं है, या फिर ये सब लेके मैं माँ के सामने नहीं बोल सकता. ये सब इनहिबिशंस है, ये सब चीज़ों को हटाओ. आप माँ के सामने हो, माँ आपको प्यार करते, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को प्यार करते, आपके इशूज़ को प्यार करते, आपको माँ मदद करेंगे, बट इसके लिए आपको खुद की मदद करना पड़ेगा. तो पहले अगर आप ये सब चीज़ को नेगेटिव मानते हो, इस चीज को नेगेटिव मानना बंद करो और इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लो. सेकंड आता है सिलेबसी का, वो सिलेबसी के चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से सुनिए. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो. मिलता हूँ बहुत ही जल्दी इसी टॉपिक में सेकेंड पार्ट को लेकर. बाय. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.